हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे इफ फंक्शन के बारे में, जो कि हमारा लॉजिकल फंक्शन है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो इसको किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से हम अपने एक्सेल में उपयोग कर सकते हैं, उन सबके बारे में जानेंगे। ठीक है। इफ माने यदि, यानी अब मैंने कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई कंडीशन देनी है, जो सेलेक्ट करना है, यदि सचिन तेंदुलकर ने 450 से ज्यादा मैच खेले हो तो हम उसको लीजेंड बोल दें, या फिर सचिन ने आपके मान लीजिए 450 के इस मैच के साथ साथ उसने 100 से ऊपर शतक बनाया तो आप उसको एक प्रोफेशनल या लीजेंड, एक ग्रेट प्लेयर के नाम से जान सकते हैं। ठीक है। तो हम कंडीशन अप्लाई करी, अगर यदि ये इन क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हैं तो ये चीज हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट का हम क्राइटेरिया ले, अगर वो 75 नंबर से ऊपर लाता है वो तो उसकी डिटेंशन कहलाती है, यानी। ठीक है। तो अगर 80 से ऊपर हम कह सकते हैं वो ब्रिलियंट है, फिर उससे क्या कह सकते हैं, अगर 90 आ रहे हैं तो भाई बहुत ज्यादा लीजेंड टाइप का है, बहुत ही यूनिक बच्चा है, इस तरीके से हम कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने एक क्राइटेरिया दे दिया, एक कंडीशन अप्लाई करी, अगर हम उसके एक मार्क्स के बेस पर, यानी किसी आंकड़ों के बेस पर हम उसे जांच कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी को हम इसी तरीके से हम इफ का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैंने मान लीजिए मैंने इफ इजिकल टू, सबसे पहले फॉर्मूले के लिए हमने इजिकल टू इफ लगाया, फिर इसके फ्रेंड्स हमने टैब दबाया, तो इस तरीके टैब दबाने के बता गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा भाई 400 से ऊपर जिसने मैच खेले हो भाई, और ठीक है 400 से ऊपर जिसने मैच खेले हो वो एक लीजेंड प्लेयर हो, यानी अब मैंने उसको सामने से मैच करा लिया। ठीक है। तो आप चाहे तो इधर यहाँ पर उसका कोमल आ गया, उस खिलाड़ी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है भैया, अगर उसका इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं, या फिर एक या फिर आप इसमें एक मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया इस तरीके से, दे दिया भाई ई इज अ ग्रेट प्लेयर, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। ठीक है। या फिर आप देंगे ही, फिर या फिर आप दे सकते ही इज ऑनली प्लेयर, इस तरीके से आप दे सकते। ठीक है। तो देखेंगे इस तरीके से हमारे सामने क्या रिजल्ट आया, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं कि फिर समझने की कोशिश, देखिए 400 हमने एक वैल्यू दी थी। ठीक है। अब उसको किससे मैच कराया, इससे C4 से, C4 में क्या वैल्यू 450, तो वो क्या होना चाहिए, 400 की वैल्यू अगर जो दे रखी है वो C4 से, अगर C4 की वैल्यू बढ़ी है 400 से तो वो अपने आप इसको ये मान दे, यानी ये वाला पहला स्टेटमेंट वो ट्रू होना चाहिए, अगर दूसरा स्टेटमेंट आए तो फॉल्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स तो वो क्या रेट आता, देखेंगे तो ही इज ओनली प्लेयर। ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ आ गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा एक लॉजिकल टेस्ट था, इस तरीके से हम उसको प्रयोग करते हैं किसी भी दो वैल्यू को, एक वैल्यू हमने दी उसका कंपेयर करने के लिए। यहां पर आप चाहें तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं कुछ ही बता देता हूं। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 450 लिखा, यहां पर मैंने इसको B4 लिखा और एंड के साथ आप मैच लिख दीजिए। ठीक है। तो उससे क्या करेगा, उसका नाम भी साथ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका क्या काम करता है, थोड़ा मैं इसको स्पेस देता हूँ, इससे स्पेस बना रहे हैं। तो ये एंड हमारा काम करता है, जो भी आप कोई वैल्यू देते हैं उसके साथ उसको रख देता है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो एक मैंने ये तरीका भी बता दिया, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है। तो एक तरीका ये भी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब इफ के अंदर इफ कैसे अप्लाई करते हैं वो जानते हैं।